अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। और इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव्ड में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। तुमची जी का रैली है, ती मुस्लिम एरिया मध्ये करा। डीजे की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मुस्लिमांचा डीजे हिंदू एरिया मध्ये अजिबात चालला नाही पाहिजे। हिंदू मुस्लिम भाई है भाई है, ते कुछ यहाँ से नारे लगे, कुछ वहाँ से नारे लगे। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के नल बाजार स्थित गोलदेवल मंदिर के नज़दीक में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से यहां पर जमकर नारेबाजी की गई। मगर अच्छी बात ये रही कि पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों तरफ के लोगों को शांत कराया। मुंबई हमेशा हिंदू और मुस्लिम एकता और भाईचारे के लिए जाना जाता था, मगर देश के अन्य राज्यों में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद की घटनाएं सामने आ रही हैं और अब धीरे धीरे मुंबई जैसे शहर में भी हिंदू मुस्लिम के बीच में ये विवाद अब पैर फैलाता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रात के समय मुस्लिम समुदाय के तरफ से संदल निकाला गया था और ये बताया जा रहा है कि इसमें तेज आवाज़ में डीजे बजाया जा रहा था, जिसका विरोध हिंदू समुदाय के लोग करते हुए सामने आ गए और दोनों तरफ से हिंदू और मुस्लिम दोनों आमने सामने थे और यहाँ पर दोनों समुदाय अपने अपने तरफ से नारेबाजी कर रहे थे। हिंदू समुदाय के लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जुलूस जो निकाला जा रहा है मुस्लिम समुदाय के तरफ से, तो ये जुलूस मुस्लिम अपने ही इलाके में निकाले, इसी वजह से। और डीजे भी जो तेज़ बज रहा था इस पर भी हिंदू समाज के लोग आक्रोश जता रहे थे। हालांकि दोनों तरफ से यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम आमने सामने थे, लेकिन वक्त रहते यहाँ पर पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों तरफ के लोगों को किसी तरह से अलग थलग करके पूरे मामले को शांत कराया है। नुसता तांडव मचलेले, तुमची जी काय रैली आहे ती मुस्लिम एरिया मध्ये करा, हिंदू एरिया मध्ये अजिबात आलेला चालणार नाही। रामनवमीच्या यात्रेवरती दगडफेक करतात, भविष्यात असा काही प्रसंग झाला तर आम्ही जबाबदार नाही। पोलीस प्रशासनाला आम्ही सांगू इच्छितो, योग्य ती खबरदारी घ्या आणि मुस्लिम एरियामध्ये मुस्लिमांचा डीजे हिंदू एरियामध्ये अजिबात चालला नाही पाहिजे। जय श्रीराम। जय श्रीराम। मेरा नाम मोहम्मद शफी है और मैं इसी एरिया का रहने वाला हूँ। ऐसे टाइमिंग नहीं पता, जब से हमने शोर सुना कि भाई पब्लिक बोल रही है कि भाई डीजे की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, वहाँ से पब्लिक सब आई, जय श्री राम के नारे लगाए, कुछ बच्चे यहाँ से भी आए, ठीक है, उसमें शोर हुआ। हम लोग जैसे पहुँचे हमने इनको यहाँ से बोले कि भाई आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा शांति रखो। आप लोगों से कहा, यहाँ के लोगों हमारे लोगों का कहा हमने कि भाई आप लोग भी थोड़ी शांति रखिए। फिर इनसे कहा गया, फिर अलहमदिल्ला जे मार्ग बीपी रोड और डीसीपी ईसीपी साहब सब लोग आ गए और सबने कंट्रोल किया, पब्लिक को समझाया कि भाई यहाँ कुछ नहीं है, एकता बनाई रखी है, हिंदू मुस्लिम भाई है भाई है, कोई डरने वाली बात नहीं, सब मिलके रहिए। वजह से डीजे को लेकर हुआ। जी जी जी, ये भी कहा जा रहा रोड काफी तेज आवाज में की वजह जा रहा। हाँ, थोड़ी आवाज लो थी, वो थी वॉइस में थी, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि वो लोग कह रहे कि भाई कोई पेशेंट होगा, कोई बीमार आदमी होगा, इसकी वजह से थोड़ा हुआ। और फिर उन्होंने बंद कर दिया, जैसे टाइम में हुआ उसके हिसाब से वो लोगों ने बंद कर दिया। अभी सिचुएशन नॉर्मल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया के जे मार्क और बीपी रोड पुलिस स्टेशन और डीसीपी साहब ईसीपी साहब हर कोई आए थे, उन्होंने आके कंट्रोल किया है, पब्लिक को समझाया और पब्लिक अपने अपने घरों पे चले गए। दोनों समुदाय के लोग आपस में आमने सामने आ गए? नहीं नहीं, पब्लिक जमा हो गई थी मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नारे भी लगाए? जी हाँ, कुछ नारे लगाए गए थे, कुछ यहाँ से नारे लगे, कुछ वहाँ से नारे लगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में आ गया है मामला। ओके सर।